वेलकम बैक टू द ITC प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ हाफ मैन कोड के बारे में, और इसके अंदर हम ब्यूटीफुल बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सिंपली चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आपको देखो, ये वाला जो है ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। आपको आगे पीछे दे रखी होती है वैल्यू, आपको क्या करना होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमेशा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको नया टेबल बनाना है इसी के प्रकार। तो मैंने देखो यहाँ पर एक टेबल बना रखी है पहले से। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे नीचे नीचे वाले लास्ट दो वालों को आपको पिकअप करना है और इन दोनों को मर्ज करके वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऊपर वाले को हमेशा जीरो लोगे और नीचे वाले को वन लोगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू निकलती है 0.13 विच इज़ ग्रेटर देन 0.12। तो ये नीचे चल जाता है और ये ऊपर चल जाएगा। तो ये ऊपर चल जाएगा तो इसकी वैल्यू इस बार यहाँ पे 0.13 यहाँ पे आ जाएगी और 0.12 यहाँ पे आता है, और ये चीज़ एज इट इज आपकी सेम टू सेम यहाँ पे होती है। आया ये बात समझ में? अब आपको क्या करना है, अगेन इन दोनों को मर्ज करना है। तो इस बार अपन देखते हैं, ये जीरो वाला ये वन वाला, इसका आ गया 0.25। तो 0.25 देखो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे इसके बराबर है, तो आप इसके जस्ट नीचे लिख दो इसको आप। तो देखो अगर मैं इसके जस्ट नीचे लिखूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 0.25, ये आपका 0.20, ये आपका 0.25 एंड 0.30। ओके अब दोबारा लास्ट वालों को ले लो। तो इस बार इसको लिया तो ये जीरो ये वन, इनको ऐड करने पे इनकी वैल्यू कितनी निकलती है 0.45 जो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ऊपर ये वाला आ जाता है इस बार, तो 0.45, 0.30 आपका, देन 0.25। ओके अब आप इन दोनों लास्ट वालों को कर दो मर्ज। तो देखो जीरो और वन, तो इसका निकलता है 0.55। तो ये सबसे ज़्यादा होता है, तो इस बार ये 0.55 ऊपर एंड 0.45 जीरो। तो इन दोनों को जोड़ते तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा एक निकलनी चाहिए। अगर एक वैल्यू नहीं निकली तो आपका आंसर गलत है, सीधा सिंपल। तो यह जीरो और ये वन, देखो अब देखो ये जीरो है और ये आपके यहाँ पे जीरो है, तो इसका अर्थ है कि 0.30 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो जीरो। हमेशा याद रखना ये वाला आगे फिर ये पीछे। अब इसकी क्या वैल्यू होगी आप बताओ, यहाँ पे वन है तो देखो जीरो वन, तो यहाँ पर हो गया जीरो और वन हो गया आपका। आई बात समझ में? अब देखो इसका वैल्यू वन था तो इसका आप वन का वन ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये वन आपका इसमें जाएगा 0.25 में, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया बताओ, 1 0, ठीक है। और इसका बन जाएगा 1 1। ओके अब 0.25 किस में जा रहा है, ये जा रहा है 0.13 में और 0.12 में, तो इसमें जाएगा तो ये क्या बनेगा 1 0 0। ओके और ये बन गया आपका 1 1 1 0 1, ठीक है। अब ये आपका 0.13 किस में जा रहा है, एक यहाँ पर 0.08 पे जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जा रहा है तो देखो 1 0 0 0, तो ये बन गया 1000। ये आपका इसमें बात करूँ तो ये हो गया आपका 1 0 0 1, आपका ये बन जाता है। 0.12 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, आई थी 1 0 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 11 आई थी, आप देख सकते हो इसमें। तो ये आपका 11 हो जाता है। 0.25 अब आपको देखना, ये वाला 0.25 जो अपना ये वाला था, तो ये है 0 1, तो ये 0 1, और 0.30 की वैल्यू कितनी आई थी 0 0, तो ये आपका 0 0। तो इस प्रकार हमने इसकी मतलब कोडवर्ड सारी निकाल ली है। ये सारी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, अब सिंपली मेरे को बताना है कोड वर्ड क्या है। तो मेरा 00 है, इसका 01 है, इसका 11 है, इसका 101 है, इसका 1000, इसका 1001 है। तो अब आप बता सकते हो इसकी लेंथ, लेंथ निकालना कितना है, जी हो गया ये कितना है 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1, सॉरी कितना टाइम है 3 टाइम, ये कितने टाइम 4 टाइम, एंड ये कितने टाइम है 4 टाइम। तो ये सिंपली हमने क्या करी, इसकी लेंथ भी निकाल ली। भैया मुझे लेंथ पता है, कोडवर्ड पता है, मेरे को PI की वैल्यू पता है, तो मैं लेंथ ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो लेंथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला मुझे फटाफट बता दो जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था। यार कुछ ही नहीं है, सिंपल है, समीशन ऑफ PXI.NI क्या ये वैल्यू और आपकी PXI, इनको सबको सिंपली मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 0.30 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको प्लस 0.25 को किससे करना है 2 से करना है, प्लस 0.20 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से करना है, प्लस 0.12 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस 0.08 को किससे करना है 4 से, एंड 0.05 को किससे करना है 4 से। इसको सोल्व करने पे हमने रिजल्ट क्या मिलता है, तो लेंथ ऑफ इन्फॉर्मेशन की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, ये आई है आपकी 2.38 बिट पर सेकेंड। अब आपको सिंपली क्या निकालना होता है नेक्स्ट, आपको निकालनी है भाई साहब एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता होगा, या मैं बता देता हूँ, माइनस में PXI डॉट में log 2 PXI।
तो सिंपली आपको ये सोल्व करना होता है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, जो जो वैल्यू है जैसे माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो ये कितना हो गया 0.30 log 2 प्लस 0.25 log 2 प्लस आपका हो गया ये 0.20 log 2 प्लस 0.12 log 2 प्लस 0.08 log 2 प्लस में 0.05 log 2 तो इन सबको सोल्व करो, आपके पास कैलकुलेटर होगा मैथमेटिकल वाला, उसको से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.38। HX की वैल्यू कितनी आई बताओ, बिट पर सेकेंड, जी आंसर मिला। अब आपको नीटा निकालना है, तो नीटा क्या है आपका HX/L। HX की वैल्यू कितनी निकाल दी, 0.32.36 एंड इसकी 2.38। इसको सोल्व करूँ तो बता सकते हो आंसर कितना निकलता है, 0.991। अगर इसको परसेंटेज में ले लूँ तो नीटा की वैल्यू मेरी कितनी निकलती है, 99.1% ये इसका आंसर होता है। और अब गामा निकालना है तो क्या होता है, 1-0.991 और ये किसकी वैल्यू है, ये नीटा की वैल्यू, तो इससे मेरा गामा निकलेगा तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 0.9। और इसको सोल्व करने की बैठता हूँ मैं तो इसका वैल्यू निकलता है मेरा 0.1 होता है। गामा की वैल्यू अपनी निकलती है 0.009। अब इसको सोल्व करते हैं परसेंटेज में तो इसका निकलता है गामा इक्वल टू 0.9% जो है मेरा ये गामा है, या फिर बोल सकता हूँ रिडंडेंसी होती है, और ये नीटा आपका जो है आपका एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे निकल जाती है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सोल्व हाफमैन कोड, जो आपने सोल्व किया है पूरा अच्छे से, वैल्यू आपको निकालने आ गई। सबसे मेन तो आपका यही है कि कोड वर्ड कैसे निकाला जाए अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है तो बस क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। अब आपको सिंपली इसके थ्रू आपको सोल्व करना होता है। दूसरा मेथड इसका ट्री मेथड होता है, वो भी सिंपल है, वो भी आपको मतलब नीचे करके बनाना पड़ता है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स के जो भी डाउट्स है वो भी इस पर क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।